उत्तराखंड बजट सत्र गैरसैंण के बदले देहरादून में करवाने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के गांधी पार्क में एक घंटे का मौन व्रत रखा। हरीश रावत के साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने कहा कि गैरसैंण हिमालयी राज का प्रतीक है और हिमालय का स्वभाव शीतलता और ठंडक है, और विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया कि बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। तो सरकार बजट सत्र देहरादून में क्यों करा रही है? देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये देखिए, गैरसैंण हिमालयी राज्य का प्रतीक है, एक शब्द प्रतीक शब्द है। संसद ने गैरसैंण इस उत्तराखंड को हिमालयी राज्य की परिकल्पना के साथ बनाया। इसका जो सृजन हुआ, इसका जो स्थापना हुई, वो हिमालयी राज्य के रूप में हुई। और हिमालय का स्वभाव है शीतलता, ठंडापन, बर्फ भी पड़ेगी, बारिशें भी होंगी, जंगल भी होंगे, चढ़ाई भी होगी। तो यदि सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगे तो इसका मतलब है आप हिमालयी राज्य की अवधारणा का अपमान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। और फिर खुद विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि जो बजट सत्र हैं वो भविष्य में गैरसैंण में होंगे, और आप निरंतर गैरसैंण से भाग रहे हैं। गैरसैंण में एक पत्थर भी आपने नहीं लगाया, कोई विकास का काम नहीं किया। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ ये चीज़ें जो है दुख पहुंचाने वाली हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य था एक वरिष्ठ नागरिक के तौर पर कि मैं अपना विरोध प्रकट करूं। 11 बजे विधानसभा बैठ रही थी, इसलिए मैंने 10 बजे जो है ये सद्बुद्धि आए सरकार को, और सरकार कम से कम विधानसभा में ये घोषणा करे कि भविष्य में इस तरीके की गलती नहीं होगी, इसलिए जो है मैंने विधानसभा बैठ।